हेलो हेलो एवरीवन तो जिन जिन को मैगी बहुत पसंद है ना उनको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है बिकॉज इस वीडियो में मैंने मैगी के हर एक फ्लेवर को रिव्यू किया है कौन सा फ्लेवर बेस्ट है कौन सा फ्लेवर वर्स्ट है कौन सा फ्लेवर आपको खरीदना चाहिए कौन सा फ्लेवर में आपके पैसे बर्बाद होंगे तो अगर आपको ये जानना है तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर नहीं भी जानना है तो भी अगर आपको रामन खाना बड़ा पसंद है तो आपको ये वीडियो ना विजुअली बहुत मज़ा देने वाली है तो ज़रूर देखिएगा तो इसमें मैंने हर एक फ्लेवर को रिव्यू किया है फर्स्ट हम जो रिव्यू करने जा रहे हैं वो उनके न्यू वाले फ्लेवर्स हैं और लास्ट में हम पुराने वाले फर्स्ट हमारा मैगी का पैकेट है मैगी कोरियन बारबेक्यू चिकन फ्लेवर नूडल्स तो ये जो बारबेक्यू चिकन फ्लेवर नूडल्स हैं ये सिक्सटी रुपीज़ के आते हैं इनका वेज वर्जन भी आता है वेज वर्जन फार बेटर है मतलब इतना ऑसम है वो बट इनका जो चिकन फ्लेवर है न, वो कही ना वो कहीं ना कहीं मात खा गया है बारबेक्यू जो निस्सिन वाले आते हैं ना निसन बारबेक्यू चिकन नूडल्स वो बहुत बढ़िया है मतलब उसका स्पाइस लेवल भी बहुत हाई है और उसका टेस्ट आता है यार चिकन का इसमें ना चिकन का फ्लेवर इतना आता नहीं है और जो स्पाइस लेवल है ना वो भी आउट ऑफ टेन आई विल गिव दिस ओनली फाइव उतना कम है मतलब माइनर है बहुत ज़्यादा नहीं है एकदम बहुत कम भी नहीं है जो स्पाइस टॉलरेंस जिनका कम है ना उनको ये भी तीखे लग सकते हैं बट जो एकदम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं ना उनको शायद इतने पसंद नहीं आएंगे आप जब पैकेजिंग ओपन करते हो तो आपको निकलता है एक नूडल्स मसाला प्रीमिक्स और चिली ऑयल तो ये बारबेक्यू नूडल्स में यही तीन स्टेप्स होते हैं पहले तो आपको नूडल्स को अच्छे से बॉईल करना है फिर उसका एक्सेस वाटर निकाल देना है फिर इसमें मसाला प्रीमिक्स और चिली ऑयल मिक्स करना है तो ये एक याद रखिएगा थोड़ा सा टू टेबल स्पून आपको पानी रखना है जिससे कि ना आपका मसाला बहुत अच्छे से लग जाता है नूडल्स में और नूडल्स आपको जितने पकाने हैं ये आप पर डिपेंड करता है कितनी चूही चाहिए आपको तो देखिए यहाँ पर मैंने मसाला प्रीमिक्स ओपन कर दिया है एकदम लाल कलर था मुझे लगा पता नहीं यार कितने भयंकर तीखे होंगे बट इतने तीखे नहीं जितने दिख रहे हैं और चिली ऑयल का पैकेजिंग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा छोटा सा पैक है ओपन करते ही पूरा हाथों में लग जाता है पैकेजिंग थोड़ा अच्छा चाहिए था वहाँ पे थोड़ा मैगी मात का आ गया और टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो बढ़िया टेस्ट है बट चिकन का फ्लेवर जो हम ढूंढ रहे हैं ना वो चिकन का फ्लेवर कहीं ना कहीं मिसिंग लगा मुझे इतना ज़्यादा मतलब हाइप करने जैसा कुछ है नहीं इसमें तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो बट सिक्सटी रुपीज़ अगर आपको इन्वेस्ट ही करने तो निसन के गे के चिकन नूडल्स खाइए वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है आउट ऑफ टेन टेस्ट के अगर मैं बात करूँ तो मैं इसे ओनली सेवन दूंगी ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है तो अगर आपको ये नूडल्स अच्छे लगते हैं तो आप एक ट्राई ज़रूर दे सकते हो और अगर इसे एक ट्राई दे रहे हो तो निसन गेखी के चिकन नूडल्स को भी एक ट्राई जरूर दीजिएगा आपको वो ज़रूर पसंद आएगी अगर आप स्पाइसी लवर हो तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो पैकेट है वो है इसी रेंज से वेज वाला वर्जन मतलब मैगी बारबेक्यू वेज कोरियन नूडल्स तो जो ये वेज कोरियन नूडल्स है ना इसमें मैगी वालों ने कमाल कर दिया आई गेस इनका सिर्फ चिकन से प्रॉब्लम है ये वेज वाले बहुत बढ़िया बना लेते हैं बिकॉज़ इनका अनियन वाला जो नो अनियन एंड गार्लिक फ्लेवर है ना वो भी बहुत बढ़िया है तो इसका अगर मैं बात करूँ तो इसकी भी पैकेजिंग बहुत अच्छी है प्राइजिंग इसका भी सिक्सटी रुपीज़ है शेल्फ लाइफ भी अच्छी खासी आती है और ओपन करने के बाद इसमें भी आपको एक नूडल्स मसाला प्रीमिक्स और चिली ऑयल मिल जाएगा इस पैकेजिंग में भी, भी मेरी वही शिकायत है कि इनका चिली ऑयल बहुत छोटे सैशे में आता है ओपन करती है हाथों में लग जाता है यार थोड़ा सा बड़ा पैकेजिंग कर दो और यहाँ पे मैंने पानी अच्छे से बॉईल कर दिया है इसमें मैंने रैमन डाल दिए हैं या फिर नूडल्स बोल सकते हो आप उसको डाल देना है अच्छे से पकाना है पाँच मिनट में अच्छे से पक जाते हैं फिर इसका एक्सेस वाटर निकाल दीजिए फिर इसमें मसाला प्रीमिक्स डाल देंगे इसका मसाला प्रीमिक्स जैसे ही मैंने ओपन किया इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी क्या बताऊं मैं आपको और देखिए एकदम लाल लाल मसाला है उसके ऊपर ये चिली ऑयल पोर कर दीजिए अच्छे से मिक्स कीजिए स्पाइस लेवल इसका भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है जैसे निशान के बहुत स्पाइसी होते हैं बट वो सिर्फ स्पाइसी लगते हैं जो वेज वाले ना उसमें कुछ वेज का फ्लेवर आता नहीं है यहाँ पे देखिए चिली फ्लेक्स आप देख सकते हो और इसका जो फ्लेवर है वाह बहुत बढ़िया है मतलब आउट ऑफ टेन आई विल गिव दिस सॉलिड नाइन जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत बढ़िया है नेक्स्ट फ्लेवर की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्लेवर है हमारा मैगी स्पाइसी मंचूरियन फ्लेवर ठीक है ये वेज फेर तो आप वेजिटेरियन हो तो आप इसे जरूर खा सकते हो इस पर मुझे सिर्फ ना थोड़ी सी खटास डोमिनेटिंग लगी मतलब विनेगर का फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा है बट ओवरऑल टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा है आप जरूर ट्राई कर सकते हो ट्वेंटी रुपीज़ का ही पैक है तो ज़्यादा महंगा नहीं है जो इनकी बारबेक्यू रेंज है वो थोड़ी हायर लेवल पर मतलब सिक्सटी रुपीज़ की है और बाकी सारे फ्लेवर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव के दरमियान ही आते हैं तो आप इन्हें जरूर आसानी से ट्राई कर सकते हो और यहाँ पे इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है जैसे हम हमारी मैगी बनाते हैं वैसे ही इसको बनाना है मैं एक मैगी के पैकेट के लिए एक गिलास पानी लेती हूँ अगर आप कितना मेजरमेंट आपका है उतना आप डाल सकते हो और अच्छे से इसको बॉईल करना है आपको मैगी दो मिनट में कभी नहीं बनती है पाँच मिनट तो आपको लग ही जाने और ये देखिए ये मसाला प्रीमिक्स है मसाला प्रीमिक्स ना इनका थोड़ा मस्टर्ड कलर का दिखता है बट जब आप जैसे ही पानी में डालते हो और वो पानी में डायलूट होता है तो ब्राउन कलर पकड़ लेता है इसका जैसे ही मैंने डाला ना बहुत अच्छी खुशबू रिलीज़ हुई थी बस इसमें ना मुझे विनेगर का जो टेस्ट ना वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग लगा पता नहीं उन्होंने खट्टा क्या डाला है वो खटाई मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी बट अगर मैं स्पाइस की बात करूँ तो स्पाइस अच्छा खासा है बहुत कम नहीं है बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा कम नहीं हाई भी नहीं है अच्छा है मतलब बैलेंस किया हुआ है अगर विनेगर को भी बैलेंस कर लेते ना तो एकदम मतलब आउट ऑफ टेन टेन जितना फ्लेवर ही इतना औसम बन जाता ना बट कुछ नहीं कोई नहीं एक बार तो ट्राई कर ही सकते हो अगर आपका टेस्ट बुट को अच्छा लगे तो आप बार बार भी ट्राई कर सकते हो आउट ऑफ टेन मैं इसको दूंगी सॉलिड टेन बहुत ही टेस्टी है बट एकदम बोलते हैं ना टेन वाली बात नहीं है बट एकदम बेकार वाली बात भी नहीं है ठीक है तो इसको एक ट्राई तो आप ज़रूर दे सकते हो फ्लेवर अच्छा खासा है कुछ अलग करने की कोशिश की है मैगी वालों ने और वो अच्छे खासे कामयाब भी हुए हैं बस थोड़ी खटास अगर बैलेंस कर लेते ना तो क्या ही बात होती ये देखिए ऐसे बिल्कुल स्टिकी नहीं होते और यहाँ देखिए चिली फ्लेक्स रेड चिली फ्लेक्स भी दिखेंगे आपको और ग्रीन चिली फ्लेक्स भी दिखेंगे तो स्पाइस लेवल तो एकदम बढ़िया है यार इनका और फ्लेवर भी अच्छा है ज़रूर ट्राई कीजिएगा अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और उनको भी खरीद लीजिएगा नेक्स्ट फ्लेवर की तरफ हैं नेक्स्ट हमारा जो फ्लेवर है ये जो हमारा नया फ्लेवर है ये है हमारा हैप्पी बाउल की रेंज से यमी मसाला ये मैगी ने न्यू सीरीज लॉन्च की है जिसमें कि दो फ्लेवर है ट्विस्टी टमाटो और यमी मसाला पहले जो मैं रिव्यू करने जा रही हूँ वो है यमी मसाला तो अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो पैकेजिंग बहुत ही क्यूट सी की हुई है ट्वेंटी रुपीज़ का पैक है इसके ऊपर एक, एक हैप्पी स्माइल बनाया हुआ है तो किट्टू को बड़ा पसंद आया था इसका पैकेजिंग और पैकेजिंग देख के बड़ा अट्रैक्ट हुआ था अंदर आपका निकलता है एक आटा नूडल्स और एक मसाला प्रीमिक्स हाँ इसमें आटा नूडल्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं दैट्स वाई इसको हैप्पी बाउल

जो फ्लेवर है वो बिल्कुल हमारी मैगी से मैच करता है यमी मसाला मतलब हमारा पूरा मैगी मसाला ही इन्होंने दिया है थोड़ा सा मैं कहूँगी स्ट्रॉन्ग है बट uh, मुझे समझ में नहीं आया अगर आप न्यू सीरीज़ लॉन्च कर रहे हो तो आप वही मसाला क्यों दे रहे हो एक लॉजिक ये हो सकता है क्योंकि जो मैगी है हमारी वो मैदे की बनती है और ये आटा मैगी है आटा मैगी का जो इन्होंने फ्लेवर लॉन्च किया है उसमें वेजिटेबल्स डली हुई हैं तो किट्टू मतलब बच्चों को इतना ज़्यादा वो टेंटिंग नहीं लगता अगर आपको मैगी का ही फ्लेवर आप बच्चों को आटा नूडल्स में देंोगे तो शायद उनको ज़्यादा पसंद आए दैट्स वाई उन्होंने शायद ये हैप्पी बॉल रेंज लॉन्च की है तो आउट ऑफ टेन आई विल गिव दिस सॉलिड एट

बड़ी क्यूट है रेड पैकेजिंग आती है हैप्पी बाउल करके इन्होंने लिखा हुआ है और इसका प्राइसिंग भी सेम है 20 का पैक आता है ओपन करने के बाद आपको इसमें भी एक आटा नूडल्स और एक मसाला प्रीमिक्स निकलता है बनाने का प्रोसीजर बिल्कुल हमारी मैगी जैसा ही पानी अच्छे से बॉईल कीजिए उसमें नूडल्स डाल दीजिए नूडल्स थोड़े बॉईल होने के बाद इसमें मसाला प्रीमिक्स डाल दीजिए अब जैसे ही मैंने इस नूडल्स को इसमें ऐड कर दिया ये देखिए अपने आप ना आटा नूडल्स का एक बड़ा बहुत बेहतरीन चीज़ मैंने देखी है जैसे मैदे के नूडल्स ना टूटते हैं बड़े तो आटा नूडल्स ना एक करके अलग होते हैं मतलब एक एक उनकी जो आ, स्ट्रिंग है वो अलग अलग निकलती है तो बड़ा अच्छा देखने में बड़ा फैसिनेटिंग लगता है तो ये देखिए ये जो मसाला प्रीमिक्स है इसको मैंने डाल दिया है कलर इतना लाल है मुझे लगता है थोड़ा सा फूड कलर भी इसमें ऐड किया गया है और इसका जो फ्लेवर है बिल्कुल वो कुरकुरे और चिप्स के जो टोमेटो फ्लेवर्स आते हैं ना थोड़े से मीठे साइड पर वैसा नहीं है एकदम मतलब ऐसा लगता है टोमेटो सूप या टोमेटो ग्रेवी में आप खा रहे हो वो भी देसी वाली टोमेटो ग्रेवी हाँ एकदम चटपटी तीखी मस्त फ्लेवर है अगर आपको टोमेटो से प्यार है ना ये रैमन आपको मस्त ट्राई करने चाहिए बहुत ही बढ़िया और स्पा स्पाइसी भी है बहुत स्पाइसी नहीं है बच्चे टॉलरेट कर सके इतना ही स्पाइस लेवल है बट बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा ये फ्लेवर तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आई विल हाईली रिकमेंड दिस फ्लेवर बहुत बढ़िया काम किया है मैगी ने थम्सअप मैगी बहुत ही अच्छा बनाया आपने ये फ्लेवर नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं ठंडा होने के बाद भी ये नूडल्स बिल्कुल चिपचिपे नहीं होते बस क्वांटिटी बड़ी कम है तो वही एक शिकायत रहेगी बाकी तो बहुत बढ़िया था अगर आटा नूडल्स की हम बात करें तो इनका जो आटा नूडल्स का फ्लेवर है वो कैसे भूल सकते हैं ये तो बहुत दिनों पुराना है और मेरे मतलब पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है जो भी बड़े लोग थे ना उनको ये फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता था बिकॉज उनको लगता था ये ज़्यादा हेल्दी है तो हमें बचपन से ना ज़बरदस्ती ये फ्लेवर खिलाया गया है तो ज़बरदस्ती जो चीज़ खिलाई जाती है ना वो इतनी अच्छी नहीं लगती है तो ये न्यू जो न्यू सीरीज़ लॉन्च की है ना वो बच्चों को ज़रूर पसंद आने वाली है इस आटा नूडल्स से तो ज़्यादा पसंद आने वाली है बट बड़ों की अगर हम फेवरेट की बात करें तो उनका हमेशा से फेवरेट था ये आटा नूडल्स का पैकेजिंग भी बहुत अच्छा है रुपीज ट्वेंटी एट की आती है ये तो इसका प्राइस थोड़ा हाई है थर्टी नाइन परसेंट थर्टी नाइन पर ग्राम इसकी क्वांटिटी आती है शेल्फ लाइफ अच्छी खासी है और इसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी मैदा यूज़ नहीं हुआ है आ, पूरा गेहूं के आटे से बने हुए ये नूडल्स हैं तो इसमें एक मसाला प्रीमिक्स आ जाएगा एक नूडल्स आ जाएगा नूडल्स में आपको बराबर डिफरेंस दिखेगा देखिए दिखे, थोड़े ब्राउन कलर के हैं और जल्दी बॉयल हो गए ये कंपेयर टू हमारे नॉर्मल जो मैगी मैदा वाली मैगी आती है उससे तो ये देखिए एकदम देखिए आप देख सकते हो एक एक नूडल्स एकदम आराम से अलग अलग हो गया है इसको आपको तीन से चार मिनट ही लगेंगे पकाने के लिए आपको जितना नूडल्स स्टिकी मतलब जितना बॉईल अच्छा लगता है उतना आप उसको बॉईल कर सकते हो इसमें मसाला पूरी मिक्स एड कर दीजिएगा अच्छे से मिक्स करिएगा और फिर खाइएगा आउट ऑफ टेन मुझे ना आटा मैगी इतनी अच्छी नहीं लगती है पता नहीं क्यों मुझे वो थोड़ी सी इसे मतलब चबाने में थोड़ी हार्ड लगती है और थोड़ा सा वो फ्लेवर आ ही जाता है कि इसमें आटा है पता नहीं बचपन से ना मुझे नॉर्मल मैगी ज़्यादा अच्छी लगी है सबसे ज़्यादा मुझे नॉर्मल मैगी ही अच्छी लगी है बट मम्मा को मेरी बड़ी पसंद है और इसमें देखिए आप वेजिटेबल्स भी देख सकते हो ये मसाला प्रेमिक्स में थोड़े थोड़े मटर निकलते हैं थोड़े थोड़े बीन्स हैं थोड़े गाजर हैं तो हेल्दी तो है भाई साहब और टेस्ट भी इसका बढ़िया है मतलब मैं बोलूँगी कि टेस्ट में अच्छी नहीं है टेस्ट तो बढ़िया है ही बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके टेस्ट बर्ड कैसे हैं तो इसको तो आप ज़रूर खरीद सकते हो आउट ऑफ टेन आई विल गिव दिस सॉलिड सेवन पॉइंट फाइव बिकॉज ये मेरे टेस्ट बर्ड के हिसाब से तो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है बट ये आपके टेस्ट बर्ड के हिसाब से शायद टेन भी हिट कर सकती है और हेल्दी तो है मतलब देखिए मटर गाजर और छोटे छोटे बीन्स कटे हुए डाले हुए हैं इन्होंने और अच्छी खासी क्वान्टिटी आती है मतलब फ्लेवरफुल है ट्वेंटी एट रुपीज़ का ही पैक है तो अच्छा है एक बार तो ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा और आई होप कि बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा यार बिकॉज़ ये फ्लेवर बड़ा पुराना है अभी का लॉन्च वाला फ्लेवर तो है नहीं जैसे कि मंचाव जो स्पाइसी मंचूरियन था और बॉबिक्यू थे तो वो तो अभी लॉन्च हुए हैं बट ये पहले से है मार्केट में और ये मैगी चिकन नूडल्स फ्लेवर ये मैंने क्यों ख़रीदा मैंने इतना रिग्रेट किया था इस फ्लेवर के ऊपर मतलब इसका अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू करना चाहूँ ना तो मैं आउट ऑफ टेन इसको सिर्फ थ्री दूँगी इतना बेकार फ्लेवर है बिल्कुल पथेटिक नूडल्स हैं ये मतलब मैगी ने ये क्यों ही बनाए थे तो ये कुछ प्राइस ट्वेंटी रुपीज़ का पैक आता है ट्वेंटी एट पर ग्राम पर ग्राम इसकी क्वांटिटी है और इसमें ये मसाला प्रीमिक्स मिल जाएगा आपको ये नूडल्स मिल जाएंगे मैं देखे ये नूडल्स हैं जो इसका मसाला प्रीमिक्स इतना घटिया है भाई साहब जब मैंने इसको पानी में डाला उस मसाला प्रीमिक्स को एकदम बेकार सी बदबू आ रही थी प्रिजर्वेटिव की और इसमें चिकन का फ्लेवर दूर दूर तक नहीं है एकदम खट्टे एकदम मतलब कुछ स्वाद ही नहीं आपको थोड़ी सा हल्का सा खट्टाई लगेगी नमक ज़्यादा हो जाता है ना कभी कभी चीज़ों में वैसा कुछ लगेगा कोई फ्लेवर नहीं मतलब मैगी मसाले का भी फ्लेवर नहीं आ रहा है सोचो आप कितने बेकार होंगे आप तो अगर मैं बोलूँ ना अगर खरीदना हो तो इसको तो बिल्कुल नहीं खरीदना अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो एक ही बार खरीदना इतने बेकार है मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे आउट ऑफ टेन मैं सिर्फ थ्री दूंगी इनको इनको तो खरीदो ही मत यार एकदम बेकार मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया मतलब रिव्यू करते वक्त भी मेरा मूड ऑफ हो रहा है बिकॉज ना मैंने मैगी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ये फ्लेवर भी बहुत दिनों पहले ही लॉन्च हो चुका है बट मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और मैं ट्राई करके बहुत पछता रही हूँ आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो बट आई डोंट थिंक आपको भी अच्छा लगेगा बिकॉज मैगी बहुत अच्छा बनाती है यार बाकी के फ़्लेवर्स इनके बहुत बढ़िया हैं उनसे ये एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है इसके मसाले के देख रहे हो आप ऐसे गुटियाँ बन गई थी नूडल्स भी एकदम स्टिकी बन गए थे बेकार फ्लेवर है बिल्कुल खरीदो ही मत यार अगर आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो बट मेरी तरफ से बिल्कुल नो है इसके लिए नेक्स्ट फ्लेवर की तरफ बढ़ते हैं तो मैगी ने जहाँ पे चिकन में इतना बेकार काम किया है वहीं पे उन्होंने बिना अनियन और गार्लिक वाले जो नूडल्स हैं विदाउट अनियन एंड गार्लिक इतने सुपर बनाए हैं यार ये इतने सुपर जो जैन लोग हैं वो भी इस नूडल्स को खा सकते हो रैमन मतलब इतनी बढ़िया एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी ज़ुबान की कुछ ट्वेंटी रुपीज़ का ही पैक है ये भी ठीक है इसका मसाला प्रीमिक्स ना थोड़ा थोड़ा मैगी जैसा ही दिख रहा था और जैसे ही मैंने ओपन किया ना बिल्कुल बचपन वाली यादें ताज़ा हो गई मैंने थोड़ा सा ट्राई मतलब आपने कभी ड्राई मसाला खाया मैगी का हम बचपन में बड़ा खाते थे तो मैंने थोड़ा सा ट्राई करके भी देखा और बहुत ही बढ़िया है यार विदाउट अनियन एंड गार्लिक मेरा सबसे फेवरेट फ्लेवर बन गया है अब मतलब जो नॉर्मल मैगी आती है ना उससे भी ज़्यादा फेवरेट मेरा ये है ये अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको मैंने फिर अपने बचपन के स्टाइल में ही बनाया भाई ऐसे बना दो तो पानी में हम पहले मसाला प्रीमिक्स डालते हैं उसको अच्छे से बॉयल करते हैं फिर उसमें हम नूडल्स डालते हैं और फिर नूडल्स को अच्छे से बॉयल करते हैं इससे ना मसाले की गुटियाँ नहीं बनती है और अच्छे से वो डाइल्यूट हो जाता है पानी में और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी ना इसकी ये आपने अगर ट्राई नहीं किया है तो जाओ मार्केट में और लेके आओ मतलब इतना बढ़िया है और ना हम ये नवरात्रि के दिनों में भी खा सकते जब हमारे घर में अनियन गार्लिक बैन होता है ना तो आराम से आप इसको खा सकते हो श्रावण के दिनों में भी इस रैमन को बना के खा सकते हो तो बहुत बढ़िया फ्लेवर है बहुत ही टेस्टी है आउट ऑफ टेन आई विल गिव दिस सॉलिड इलेवन मतलब टेन को भी पार कर गया ये फ्लेवर बहुत ही बढ़िया है तो ज़रूर ख़रीदेगा और ज़रूर खाइएगा बहुत ही टेस्टी है आपका दिल खुश हो जाने वाला है मतलब जितना मैगी ने वो चिकन नूडल्स में बर्बादी की है ना उसमें इतनी मतलब ये सारी कसर उन्होंने इसमें निकाल दी है ये बहुत बढ़िया बने हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट फ्लेवर की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा फ्लेवर है वो है मैगी स्पेशल मसाला ये जो स्पेशल मसाला है ना मेरी मम्मी का बड़ा फेवरेट है जो भी देसी लवर है ना देसी मसाले के फैन है ना उनको ये फ्लेवर बहुत बढ़िया लगने वाला है मतलब ये इतना मस्त है बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बोलूँगी बट बहुत फीका भी नहीं है एक अच्छा सा बैलेंस किया हुआ है मतलब देसी मसालों का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है ना हर मसाले के आपको थोड़े छोटे छोटे चंक्स दिख जाएंगे ट्वेंटी रुपीज़ का पैक आता है ये शेल्फ लाइफ भी बढ़िया है इसकी इसका पैकेजिंग ना अब टेन रुपीज़ में भी आता है स्मॉल एकदम फिफ्टीन वाला भी आता है ट्वेंटी टी वाला भी आता है तो जैसे आपके पॉकेट को फ्रेंडली लगे उतना आप खरीद सकते हो एक बड़ा वाला पैक भी आता है एटी रुपीज़ का तो वो भी आप खरीद सकते हो ओपन करते ही इसमें निकलते हैं एक नूडल्स और एक मसाला प्रीमिक्स बनाने का प्रोसीजर तो आप अब तक सीख ही गए होगा अगर अब तक वीडियो देखा है तो पहले पानी में मैगी डाल दो मतलब रैमन डाल दो हमारे मैगी के उसको अच्छे से बॉईल कर लो जब वो हाफ कुक हो जाए तब तो इसमें मसाला प्रीमिक्स ऐड कर देंगे अब आप देख सकते हो आटा नूडल्स ना बहुत जल्दी पकते हैं वैसे ये मैदा वाली मैगी नहीं पकती है और मैगी वालों ने फालतू में ही स्लैंग फेमस करके रखा है कि टू मिनट्स मैगी टू मिनट्स मैगी टू मिनट्स में तो कभी मैगी बनी नहीं बट फ्लेवर बहुत बढ़िया है तो हम खाएंगे जरूर तो यहाँ पे मैंने मसाला प्रीमिक्स ओपन करके इसमें ऐड कर दिया है जैसे ही मसाला प्रीमिक्स ओपन किया ना इतनी सौंदी सौंदी मसाले की खुशबू आ रही थी ना वाह बहुत ही बढ़िया जिनको खड़े मसाले पसंद है ना उनको ये फ्लेवर बहुत अच्छा लगने वाला है खड़े मसालों के चंक्स आपको ऐसे फ्लोट होते हुए दिखेंगे लाल मिर्ची के फ्लेक्स आपको दिख जाएंगे बहुत ही बढ़िया है थोड़ी टाइम में मतलब थ्री टू फोर मिनट्स में पक जाती है थोड़ी सूपी भी रख सकते हो थोड़ी ड्राई भी कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से मैं थोड़ी सूपी रखती हूँ कि मसाले के चंक्स दिखे और उसका जो तो 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 सूप पीने में मज़ा आता है ना वो नेक्स्ट लेवल है एक बार मेरे जैसे भी बना के देखना आपको बहुत पसंद आएगी ये हमारे वीडियो के हम अंत तक पहुँच चुके हैं आपकी सबसे फेवरेट वाली फ्लेवर कौन सा है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच आपको ये मेरा जो न्यूज स्टाइल है कि एक ही वीडियो में मैं सारा कंटेंट दे रही हूँ आपको अच्छा लग रहा है नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा या आप सेपरेट वीडियो देखना चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बाय एवरी वन अपना ख्याल रखना